जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जब भी दुश्मन देश से लड़ाई का जिक्र होता है तो हम फक्र से 1971 की लड़ाई याद करते हैं। हमें याद आता है कि पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण और पाक का विभाजन कर बांग्लादेश बनाया जाना। इस विजय की इबारत जिस जांबाज ने लिखी उसका नाम है सैम मानेकशॉ। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें सब प्यार से सैम कहकर बुलाते थे, वे ऐसे सेना नायक थे जिसने हमेशा नैतिक बल की पैरवी की। ऐसा नैतिक बल जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी देश हित में उनका आदेश मानने से इनकार कर सकता है। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। सैम के पिता होम सजी मानेकशॉ डॉक्टर थे। सैम भी डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन पिता ने छोटी उम्र का हवाला देकर विदेश भेजने से इनकार कर दिया। तो नाराज सैम ने सेना में भर्ती का फॉर्म भरा और जुलाई 1932 में मानेकशॉ ने भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिला ले लिया। 2 साल बाद फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में भर्ती हुए। छोटी सी उम्र में ही उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा था। करीब 4 दशकों अपने सैन्य जीवन में वे 5 युद्धों में शामिल हुए। संदर्भ यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैम के शरीर में 7 गोलियां लगी थी। सब ने उनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी लेकिन डॉक्टरों ने समय रहते सारी गोलियां निकाल दी और उनकी जान बच गई। उन्हें 8 जून 1969 को भारतीय सेना के 8वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। नैतिक बल के हिमायती सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भरी सभा में ना कहने का साहस दिखाया था। यदि वे साहस नहीं दिखाते तो 1971 में जीत हासिल नहीं होती। 11 नवंबर 1998 को डिफेंस सर्विसेज कॉलेज वेलिंगटन में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व और अनुशासन पर व्याख्यान दिया गया था। इस व्याख्यान में सैम ने कहा था कि 1971 जैसे हालात 1962 में भी थे। बेहद विपरीत हालात में प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन पर हमला करने को कहा था और सैन्य प्रमुख ने इनकार करने का नैतिक साहस नहीं दिखाया था। इसका परिणाम हार के रूप में हुआ।